देखो नारियल कितना पैक है, कितनी एकदम पैक है पन्नी। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? दोपहर के 11 बज रहा है, मैं जा रहा हूँ बच्चों को लेने स्कूल, क्योंकि मैं सुबह 6:30 पे स्कूल छोड़ के आया था। सुबह व्लॉग नहीं शूट किया था, अभी मैं दोपहर में शूट कर रहा हूँ व्लॉग। तो दोस्तों चलते हैं अब स्कूल, अब बच्चों को लेके आते हैं स्कूल से। सबसे पहले हम यहाँ से जाएंगे दुकान पे, कुछ नाश्ता पानी करेंगे। नाश्ता को अरबी में फतूर कहते हैं। यहाँ पे पता है मेरे ऊपर चश्मा सूट नहीं करता, क्योंकि मैं रोज लगाता नहीं हूँ ना, जैसे धूप आए इस वक्त लगा लिया हूँ। गाइस नाश्ते के लिए सामान तो ले लिया, ये मैंने दूध लिया, ये है अलमराई कंपनी का है, इसका रेट है 2.5 रियाल, उसने टोटल 4 रियाल लिया है, और केला उसने 1.5 रियाल का दिया है। मैंने ध्यान नहीं दिया वीडियो बनाने के चक्कर में, कोई बात नहीं मैं एडजस्ट कर लूंगा बाद में। यहाँ पे केला जो है किलो के हिसाब से मिलता है, और अपने इंडिया में दर्जन के हिसाब से मिलता है। किलो केला का प्राइस है 6 रियाल 7 रियाल, जैसा लो 6 रियाल में 5-6 चौथा है बस, ज्यादा नहीं। तो गाइस चलते हैं स्कूल अब। तो गाइस मैंने सीट बेल्ट लगा लिया, क्योंकि मैं मेन रोड पे निकल आया हूँ। यहाँ पे कैमरा लगा होता है, आपको पहले भी बता चुका हूँ, सीट बेल्ट का 150 रियाल का चलान आ जाता है, इसीलिए सीट बेल्ट लगाना बहुत जरूरी है। वैसे भी अपनी सेफ्टी के लिए लगाना बहुत जरूरी है। गाइस ये आप जो रोड देख रहे थे, ये पूरा अल छौगिया में पड़ता है, क्योंकि मैं भी अल छौगिया में रहता हूँ, और ये मस्जिद हराम से 4 से 5 किलोमीटर दूरी पे है। और हमारे भाई जो भी मक्के में रहते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं, आके मिले, ज़रूर मिलूंगा मैं, और साथ में वीडियो बनाएंगे और कुछ इंजॉय करेंगे। तो अभी मैं रेड लाइट के पास खड़ा हूँ, जो कि इशारा खुल गया है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ आगे। देखो गाइस पार्किंग खड़ी कर दिया, और स्कूल वो सामने है, जो कि आज पार्किंग थोड़ा दूर पर मिली है। धूप देख रहे, इस वक्त टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री है, थोड़ी देर बाद और ज्यादा हो जाएगा, 46 तक चला जाएगा ये। तो गाइस मैं अभी स्कूल पहुंच चुका हूं, जो कि अभी छूटा नहीं है, 5 मिनट और बाकी है, आज मैं जल्दी आ गया। देखो गाइस ये खजूर है, उसमें आपको दिख रहा होगा कि छोटे छोटे अभी खजूर निकलना चालू हो गए हैं। यहाँ पे खजूर के पेड़ ज्यादा होते हैं, आपको तो पता ही होगा। तो गाइस फाइनली बच्चों को तो ले लिया, अब जा रहे इनको घर पे छोड़ेंगे, क्योंकि आज इन्होंने देर कर दिया है पूरा 20 मिनट, बहुत ही ज्यादा गर्म है। अब चलते हैं इन लोगों को घर छोड़ते हैं। तो गाइस बच्चों को तो घर पे छोड़ दिए हैं, अब मैं जाता हूँ अपने रूम पे। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ लड़की को स्कूल छोड़ने। मुझे सबसे पहले जो है, जो कि वो 1:30 बजे तक जाती है, पहले पेट्रोल डलाना है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है जरा सा भी। अब चलते हैं पेट्रोल डलाते हैं, पहले पेट्रोल को बल्दी में बोलते हैं। गाइस यहाँ पे ज्यादातर गाड़ी बिना गियर की होती है, गियर वाली भी होती है लेकिन कम होती है, जो कि मेरी है ऑटोमेटिक गियर होता है, एक बार लगा दो फिर अपने आप चलती रहती है गाड़ी। अभी मैं डी पे चला रहा हूँ। तो गाइस पेट्रोल पंप आ गया, मैं चलता हूँ पेट्रोल डलाता हूँ। तो गाइस मैं पेट्रोल पंप आ चुका हूँ, पेट्रोल पंप पे आज जो है भीड़ है, 2-3 गाड़ी के बाद मेरा नंबर आएगा। पेट्रोल पंप जो कि मेरे रूम से करीब में है, मैं पेट्रोल डला के तुरंत जाऊंगा, लड़की को स्कूल छोड़ना है, उसके बाद फिर आके खाना वाना खाएं। तो ये पेट्रोल पंप पे काम करती हैं, इनकी ड्यूटी 12 घंटा होती है, और सैलरी 1400 से 1500 रियाल होती है बस, ओवर टाइम नहीं होता। जैसे सुबह आएगा 6 बजे तो शाम को 6 बजे छुट्टी होगी इनकी। 50 50 91 91। हाँ तो गाइस पेट्रोल तो डला लिया, लेकिन वहाँ पे एक लफड़ा हो गया था, मेरे पीछे जो गाड़ी खड़ी थी वो थोड़े बुजुर्ग थे, उनसे और पेट्रोल पंप वालों से लड़ाई हो गई। गाइस लड़के को तो स्कूल छोड़ दिया है, मैं वीडियो नहीं बना पाया रास्ते में, क्योंकि वो बैठी थी। गाइस इस वक्त मैं जा रहा हूँ माइक की जो पिन होती है उसको बनवाने, अगर वो बन जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा माइक लेंगे। यहाँ पे काकिया में दुकान है, मोबाइल शॉप है, लाइन से बरमाई मार्केट है, तो मतलब मोबाइल की दुकान है वहाँ पे। अब
चलते अंदर पूछते हैं। मैं एक्स्ट्रा माइक भी लेके आया हूँ, इसको दिखा के, यही माइक था मैं मंगाया था नून से, अब इसको दिखा के अगर यही सेम मिलेगा तो सेम ले लूंगा, नहीं तो फिर दूसरा लूंगा माइक, क्योंकि बिना माइक की मजा नहीं आता गाइस वीडियो शूट करने में। गाइस चार चार दुकान है लेकिन चारों दुकान पे माइक नहीं मिला और ना ही वो पुराना वाला माइक सही हो पाया। गाइस चलते हैं बिंदौर, बिंदौर में देखते हैं मिलती कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलता है। अभी मैं बिंदौर आ चुका हूँ तो चलते हैं अंदर, गाड़ी पार्क करते हैं, बगल ही बगल में एकदम वो है दुकान जहाँ मैं माइक लेने गया था, नहीं हो पाया काम, ना बन पाया, और ये सामने बिंदौर, और मुझे एक दो सामान और लेना है, चलते वो भी मिलता है तो ले लेते हैं, देखते हैं अंदर वीडियो बनाने देता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है ज़्यादा। तो गाइस यहाँ पे भी माइक नहीं मिला हमको। अब जो मुझे सामान लेना है, जैसे मेरे पास दो तीन सामान खत्म है, उसको लेके डायरेक्ट रूम पे चलूंगा। अब ये देखो नारियल कितना पैक है, कितनी साफ तरीके से पैक है, और ये पत्ता गोभी एक एक पैक है, लौकी देखो एकदम पैक है, पनीर, ये सब रोटी है, और ये मैंने एक रियाल के ली है ये वाली रोटी जो कि गरम गरम है, थमे एक रियाल की चार रोटी दिया है, और चार हर जगह मिलती है, और ये हरी धनिया पुदीना। तो गाइस निकलते हैं यहाँ से, और मैंने ये तरबूज लिया है, 4.5 रियाल का है, यहाँ पे कटा हुआ भी तरबूज मिल जाता है और एकदम फ्रेश। तो गाइस सामान तो ले लिए हैं, जो कि इस वक्त मॉल में बहुत कम भीड़ थी, शाम को ज्यादा भीड़ रहती है। गाइस अभी हम जो मॉल में गए थे उसका नाम था बिंदौर, जो कि मक्का में 8 लोकेशन पे अवेलेबल है, 8 जगह है, जद्दा में 7 जगह है और तैफ में 2 जगह है। अभी हम जहाँ बिंदौर पे गए थे वो पड़ता है काकिया में। गाइस अभी हम जिस रोड पे चल रहे हैं उसका नाम है अल काकिया। गाइस मैंने रोटी तो ले ली है लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा खाना बनाने का, आज सोच रहा हूँ चलते हैं बंगाली होटल पे, वहाँ से मछली लेते हैं, क्योंकि बंगाली भाई लोग जो है मछली बहुत अच्छी बनाते हैं, उनकी मछली बहुत फेमस है यहाँ पे, चलते हैं मछली लेते हैं, देखते हैं हाइक मिलती है कि नहीं, क्यों देर हो गई ना, ये आ गई। अस्सलामुअलैकुम, क्या नाम है इसका? नहीं बस मछली। तो गाइस मछली ले ली है, जो कि उसने 12 रियाल की दिया है, यार बहुत है, एक बार में नहीं खत्म होगी। तो गाइस अब चलते हैं डायरेक्ट रूम पे, अब कहीं नहीं जाएंगे, खाना खाएंगे और शाम को 5:30 बजे तक जाएंगे लड़की को लेने, अगर शूट किए ब्लॉग तो जरूर मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो गाइस गाड़ी पार्क कर दी है, अब चलते हैं रूम पे, बहुत ही ज्यादा गर्म है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में।